नमस्कार दोस्तों, जीवन में अगर हम जाने तो हम हर कर्म जो है वो अपने हिसाब से करते हैं और हम मानते भी हैं कि कभी कभी हमारे कर्म जो है वो हमसे गलत चीजें भी जो है वो करवा लेते हैं। इंसान वही है लेकिन कर्मों की जब बात आती है तो उसमें अच्छाई और बुराई कोई नहीं करना चाहता। दोस्तों बुराई तो बेसिकली कोई करना ही नहीं चाहता, लेकिन क्यों ये चीजें हमसे घटित जो है वो हो जाती हैं, उनके पीछे क्या ग्रहों की युति, क्या लॉजिक होते हैं, पूरी विवेचना हम करेंगे। और दूसरी बात, मैं आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक है कि तांबे की गागर में मूंग साबुत का जो उपाय होता है वो आपको किस प्रक्रिया में करना चाहिए, सूर्य बुध और शुक्र की युति का ये उपाय कब कारगर होता है। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपका किया होगा सब्सक्राइब का बटन जो है वो मुझे हमारे टीम को मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बनाते रहें, आपके जीवन के वो पल जो कुंडली में आपके ग्रहों के जो फल हैं उनकी विवेचनाएं आपसे करते रहें। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं सूर्य बुध शुक्र। दोस्तों ये एक ऐसी युति है त्रिग्रहों की युति में सूर्य बुध शुक्र की, जिसमें सूर्य राजा है, बुध मंत्री है और शुक्र भोग है। अब सूर्य के साथ, राजा के साथ जब मंत्री होगा तो कहीं ना कहीं ये युति आपको अच्छे फल दे सकती है, पर दूसरी कंडीशन में जब शुक्र राजा के साथ जुड़ जाएगा, कहने का भाव जब भोग राजा के दिमाग पे चढ़ जाएगा तो मंत्री के कोई फल नहीं रहेंगे, उसको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए बुध जो यहां पे ग्रह है दोस्तों, ये सूर्य का भी मित्र है और शुक्र का भी मित्र है, लेकिन प्रक्रियाओं के अनुसार जो ताकतवर ग्रह होता है हर ग्रह उससे ही जुड़ना चाहता है, तो बुध जो है वो सूर्य का साथ दे देगा और शुक्र को छोड़ देगा। अब यहां पे प्रक्रिया क्या बनी कि यहां पे सूर्य और शुक्र के बीच में जो बुध है ये सूर्य का जो कहीं ना कहीं हिस्सा है उसमें ऐड करेगा अपने आप को और शुक्र को छोड़ देगा। तो सूर्य बुध के मिलने से कहीं ना कहीं मंगल भी अच्छे होते हैं, लेकिन शुक्र की यहां पे बर्बादी जो है वो शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इस युति में हमें बुध का सहारा लेना बड़ा जरूरी होता है, सूर्य की सपोर्ट लेनी बड़ी जरूरी होती है ताकि शुक्र के फल अलग किए जाए, शुक्र के फल और शुक्र को अच्छे मिल सकें। आपके जीवन में शुक्र आपकी गृहस्थी है, आपकी शादी शुदा जिंदगी है, आपके जीवन का आनंद है, आपके जीवन का भोग है। दोस्तों अक्सर ये युति जो होती है सूर्य बुध शुक्र की, एक तरफ इंसान समझदार सूझवान आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, सोशल सर्कल अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही ये युति जो है आपकी गृहस्थी को भी कहीं ना कहीं खराब कर रही होती है। सब कुछ होने के बावजूद भी गृहस्थी का सुख नहीं मिल पाता और अक्सर अगर बुरे बाबों में युति बनी हो तो शादी नहीं होती। शादी हो भी जाए दोस्तों एक उम्र में आके, तब भी शुक्र की गृहस्थी के फल तो आपको फिर भी बुरे ही मिलने हैं। कारण आप सबको मैंने आपको बताया है कि बुध जो है वो सूर्य का साथ देगा, शुक्र का साथ नहीं देगा। दोस्तों कुंडली में एक नियम मैं आपको बता दूं, जब दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे ग्रह का निर्माण करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया है कि सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो मंगल नेक होता है, मंगल अच्छा होता है। मंगल क्या है? सोशल सर्कल्स है आपकी जिंदगी का, कहीं ना कहीं एक बेनिफिट्स है, लोगों से मिलने वाला सहारा है आपको। लेकिन जब सूर्य और शुक्र आपस में मिलते हैं तो यहां पे राहु का निर्माण होता है और राहु क्या है? आंधी है, भूचाल है, आपके जीवन को तहस नहस करने की प्रक्रिया है, आपको घुमाने की प्रक्रिया है, आपके डर वहम की प्रक्रिया है।
तो इसीलिए सूर्य के साथ जब भी शुक्र मिलेंगे तो शुक्र का नाश होगा और राहु की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे करेक्टर का खराब होना, दाग लगना, आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आना, आपके शरीर का जोश कम हो जाना, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं खराब कर रही होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे शुक्र को हमें अलग करना है, शुक्र को हमने बचाना भी है, किसी तीसरे ग्रह की मदद देनी है और बुध को हमने सूर्य के साथ जोड़ना है। दोस्तों, जन्म कुंडली में जब ये युति आपके तीसरे भाव में बनी हो, यहाँ पे बुध खराब है, तो अक्सर तीसरे भाव की युति आपको हानि दे सकती है। जन्म कुंडली में जब युति आपके अष्टम भाव में बनी हो तो तब भी प्रॉब्लम आपको देती है, नाइन्थ हाउस में बनी हो तब भी प्रॉब्लम देती है, और कहीं ना कहीं कुंडली का 11वां भाव या फिर 12वें भाव में भी युति बनी हो, हालांकि वहां पे शुक्र उच्च के होते हैं, बुध नीच के होते हैं, तो इन प्रक्रियाओं में बनी हुई युति आपको बुरे फल दे सकती है। कुंडली में मंगल बद का जो निर्माण है वो हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शुक्र की ग्रस्ती के फल आपको खराब मिलेंगे, राहु की उत्पत्ति ज्यादा होगी, राहु के विचार ज्यादा बढ़ेंगे, राहु का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा, तो मंगल भी कहीं ना कहीं खराब हो रहे होंगे। तो इसीलिए इस युति को ठीक करना, शांत करना बड़ा जरूरी होता है। अक्सर ये उपाय शादी से पहले किया जाता है, शादी के 3 महीने बाद किया जाता है, और फिर उसके बाद साल के बाद किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में ये युति किस भाव में बनी हुई है और वर्ष फल में कहाँ पे आ रही है। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में काफी समस्याओं का हल जो है वो हो जाता है। ये उपाय आप जरूर करें। अक्सर शादी की उम्र है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे, पसंद भी कैसे के आएंगे दोस्तों, क्योंकि शुक्र तो खराब चल रहे हैं, गृहस्थी का भोग नहीं है, पसंद नहीं आ रहे, तो हमें कहीं ना कहीं शुक्र को अच्छा करना है और बुध के सहारे से सूर्य की मदद लेके उसको अलग करना है। अब उपाय हमें कैसे करना है दोस्तों, आपने एक तांबे की गड़वी लेनी है, आपने गागर लेनी है या गड़वी लेनी है, थोड़ा सा साइज बड़ा ले लीजिएगा, उसमें आपने साबुत मूंग जो है, हरे मूंग की दाल जो है वो भर देनी है, उसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगाना है तांबे का ही, और उसके ऊपर आपने तांबे का या फिर कलई का टांका जो है वो आपने साइड से उसे कवर कर देना है चारों तरफ से। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो आपने बहते हुए पानी में जल प्रवाह करना है, तेज पानी में से जल प्रवाह करना है। अक्सर इस उपाय को कन्यादान के मंत्रों के अकॉर्डिंग भी किया जाता है, कहीं ना कहीं पंडित जी का सहारा लेके आप कन्यादान के मंत्र जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन में ये इच्छा कर लेते हैं कि इस युति के मुझे फल जो बुरे मिल रहे हैं वो दूर हो, संकल्प मन में कर लेते हैं, तब भी ये आपके लिए कारगर ही करेगा दोस्तों। तो इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में काफी समस्याओं का हल जो है वो हो जाएगा। अक्सर तीसरे भाव में, अष्टम भाव में, नाइन्थ हाउस में बनी हुई युति आपको बुरे फल दे सकती है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये लॉजिक, ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ आया हो, क्योंकि तांबा जो है वो बेसिकली सूर्य भी है, और गुलाई जो होती है, जो खोखलापन होता है, वो बुध होता है, और साबुत मूंग है ही बुध। तो शांति के लिए चंद्रमा का जो फ्लोइंग वाटर है वो खाना नंबर 4 होता है, उसमें पापी से पापी ग्रह भी जब आता है दोस्तों तो वो शांत हो जाता है। हमें इस ग्रह को, इस चुती को दबाना नहीं है, शांत करना है दोस्तों। तो इसीलिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं दोस्तों, आप प्यार तो देते हैं, वीडियोस को देखते भी हैं, सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो आपके पास में ही है, उसे आप दबा दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।